गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो हेयर आई एम विद योर हिंदी क्लास। ये हमारी कौन सी क्लास है? हिंदी क्लास। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी पुस्तिका को खोलिए। ओपन योर हिंदी बुक एंड ओपन पेज नंबर 73। ओपन पेज नंबर 73। नाउ ऑन द पेज 73 इट इज़ गिवन द कॉलम फॉर डेट। यहाँ पे देखो दिनांक लिखा है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, दैट इज 12 जुलाई 2021, 12 जुलाई 2021, 12.7.21। इसी तरह आपको डेट लिखनी है। फिर दूसरे कॉर्नर में हम लिखेंगे CW, दैट मीन्स क्लास वर्क। अब हम जब हमने दिनांक और क्लास वर्क लिख लिया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। बिंदु जोड़कर वर्ण पूरा करो। अब देखिए, ये हमारे पास डॉटेड लाइंस में सभी वर्ण दिए हुए हैं, तो हमें इन्हें पहचान कर और इन्हें लिखना है। तो कौन पहचानेगा? सबसे पहला वर्ण क्या है? सबसे पहला वर्ण है वर्ण त, तो इसको हम जोड़ कर लिखेंगे। त त तरबूज, त तरबूज, त ताजमहल, त। अब देखिए यहाँ नीचे भी क्या है, त, तो त ताजमहल, त ताजमहल, त तबला, त तबला। अब त के बाद कौन सा वर्ण है? यह है वर्ण थ, थ थर्मस, थ थर्मस, थ थैली, थ थैली, थ थकान। जैसे हम अगर बहुत सारा काम कर लें तो हम क्या जाते हैं, थक जाते हैं ना, तो वो भी किससे शुरू होगा? थ से, थ थकान। उसके बाद कौन सा वर्ण है? यह कौन सा वर्ण है? द, द दवात। कौन सा वर्ण है ये? द, द दवात, द दवाई, द दवाई, द दक्षिण। दक्षिण क्या है? दिशा है। द दवाई, द दवाई के बाद कौन सा वर्ण आता है? अब आएगा वर्ण, कौन सा ये वर्ण? ध, ध धनुष, ध धनुष। लिखिए सभी, ध धनुष, ध धनुष। और ध से क्या होता है? ध धन, ध धन। पैसे को क्या बोलते हैं? धन, ध धन। और अगला वर्ण कौन सा है? न, कौन सा वर्ण है ये? न, न नल, न नल, न नाखून। नेल्स को हम क्या कहते हैं? देखो ये नेल है हमारा, ये नेल है हमारा, नेल्स को क्या कहते हैं? नाखून। न नाक, हमारे मुंह पे क्या होती है? नाक, न नाक। तो ये सब क्या हो गया? त वर्ग। ये कौन सा वर्ग है? त वर्ग। इसके बाद देखिए, दिए गए चित्रों के नाम का पहला अक्षर लिखो। तो ये चित्र क्या है? चित्र है, क्या है ये चित्र में बताएगा कौन? कौन बताएगा? ये है धनुष। क्या है ये? धनुष। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ध, ध धनुष, ध धनुष। अब अगले चित्र में क्या है? ये क्या है? इसको लगाकर हम सोते भी हैं, ये सर के नीचे लगाते हैं। वेरी गुड। क्या ये? तकिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? त तकिया, त तकिया, त तकिया। अब अगले चित्र में क्या है? यह है एक थर्मस। थर्मस किससे शुरू हो रहा है? थ से, तो हम लिखेंगे यहाँ थ थर्मस, थ थर्मस। क्या लिखेंगे? थ थर्मस। अगले चित्र में क्या है? नल।
तो न, नल किससे शुरू होता है? न। नल किससे शुरू होता है? न। न नल। उसके बाद यह क्या है? यह है एक दवात। क्या है? एक दवात। तो द दवात। अगले सूत्र में क्या है? दरवाजा। दरवाजा भी किससे शुरू होता है? द। तो क्या लिखेंगे? द दरवाजा। अब देखिए, हमने सभी चित्रों के नामों का पहला अक्षर लिख दिया। क्लैपिंग, क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेरी गुड। अब नीचे है, सही अक्षर लिखकर खाली स्थान भरो। अब ये हम सबको ये सारी चीजें आती है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ग। ग से पहले क्या आता है? ख। ख से पहले क्या आएगा? क। क ख ग ग के बाद घ। इसी प्रकार हमें यह सारे रिक्त स्थान भरने हैं। तो चलिए भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा खाली स्थान में? क कबूतर। क्या आएगा? क कबूतर। ये हमने लिख दिया क कबूतर। क कबूतर के बाद क्या आएगा? ख खरगोश। क्या आएगा? ख खरगोश। ये हमने बना दिया है ख खरगोश। अब ख खरगोश के बाद ग गमला। ग गमला। ग गमला। ग गमला के बाद घ घर। ग गमला के बाद घ घर। क्या है ये? घ घर। घ घर के बाद ण खाली। घ घर के बाद ण खाली। तो ये क्या बना दिया हमने? ण खाली। ण खाली। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? च चम्मच। क्या आएगा बेटे? च चम्मच। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? च चम्मच। च चम्मच के बाद क्या आएगा? छ छतरी। क्या आएगा? छ छतरी। ये हम लिख रहे हैं छ छतरी। छ छतरी के बाद ज जहाज। छ छतरी के बाद ज जहाज। ज जहाज के बाद झ झरना। झ झ झरना। ये हमने क्या लिखा है? झ झरना। झ झरना के बाद अय्या खाली। अय्या खाली। अय्या के बाद क्या आएगा? ट टमाटर। क्या है ये? ट टमाटर। ट टमाटर के बाद ठ ठठेरा। ट टमाटर के बाद ठ ठठेरा। उसके बाद क्या लिखेंगे? ड डमरू। ड डमरू। फिर क्या आएगा? ढ ढक्कन। ढ ढक्कन। और उसके बाद ण खाली। ण खाली। आखिरी लाइन पे त तरबूज। त तरबूज। थ थर्मस। थ थर्मस। द दवात। द दवात। ध धनुष। ध धनुष। न नल। न नल। अब देखिए, हमने ये सारे रिक्त स्थान भी भर लिए हैं। तो ये हमारा क्लास वर्क फिनिश हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 74।
जो आपको गृह कार्य यानी होमवर्क में फिनिश करना है। इसी के साथ बाय बाय एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टाटा।